देश दुनिया के इतिहास में 5 फरवरी का दिन कई घटनाओं का गवाह बना। आज के दिन भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के जन्म समेत कई बड़ी घटनाएं घटी। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन घटनाओं की अहमियत से रूबरू करवाएंगे। सिखों के साथ में गुरु हर राय का जन्म आज ही के दिन 1630 में पंजाब के कीरतपुर में हुआ था। मुगल बादशाह औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा का जन्म आज ही के दिन 1639 में हुआ था। आज ही के दिन 1679 में फ्रांस के साथ शांति समझौते पर जर्मन शासक लियोपोल्ड प्रथम ने हस्ताक्षर किए थे। 1870 में आज ही के दिन फिलाडेल्फिया का थिएटर में पहली बार चलचित्र दिखाया गया था। आज ही के दिन वर्ष 1900 में ब्रिटेन और अमेरिका के बीच पनामा नहर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1922 में आज ही के दिन यूपी के गोरखपुर के पास चौरी चौरा कस्बे में भड़की भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की जान चली गई थी। इस घटना ने महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन को कुछ समय के लिए पटरी से उतार दिया था। स्विट्जरलैंड के मशहूर चित्रकार H.R. गैगर का जन्म आज ही के दिन 1940 में हुआ था। आज ही के दिन 1961 में ब्रिटिश समाचार पत्र संडे टेलीग्राफ के पहले संस्करण का प्रकाशन शुरू किया गया था। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के पुत्र अभिषेक बच्चन का जन्म आज ही के दिन 1976 में हुआ था। पुर्तगाल के विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म आज ही के दिन 1985 में हुआ था। रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस सांतोस अबीरो है। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का जन्म आज ही के दिन 1990 में हुआ था। आज ही के दिन 1992 में भारतीय खिलाड़ी दिलीप वेंगसरकर ने अपना आखिरी टेस्ट खेलकर क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। 1996 में आज ही के दिन पहली बार GM टमाटरों से बनी प्यूरी इंग्लैंड के बाजारों में बिकनी शुरू हुई थी। आज ही के दिन 1999 में दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने संसद में राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपना आखिरी भाषण दिया था। इसी साल मई में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 2004 में आज ही के दिन परमाणु प्रौद्योगिकी के गलत इस्तेमाल के मामले में परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान को पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने माफी दी थी। आज ही के दिन 2007 में भारत की सुनीता विलियम अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला बनी थी। भारत के प्रमुख आध्यात्मिक और धार्मिक नेताओं में शुमार महर्षि महेश योगी का निधन आज ही के दिन 2008 में हुआ था। आज ही के दिन 2010 में भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने नीदरलैंड इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 600 में से 596 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता था। भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता सुजीत कुमार का निधन आज ही के दिन 2010 में हुआ था। आज ही के दिन 2013 में बांग्लादेश में एक न्यायाधिकरण ने कट्टरपंथी विपक्षी दल के शीर्ष सदस्य अब्दुल कादिर मौला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 2016 में आज ही के दिन केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था। मध्य प्रदेश केसरी के सम्मान से नवाजे गए BJP के वरिष्ठ नेता हुकुम चंद यादव का निधन आज ही के दिन 2007 में हुआ था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।